दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरदीप सिंह निजर जो आतंकवादी घोषित था भारत के तरफ से, उसे किस तरह से वहां मारा गया और वह किस तरह से एक आतंकवादी बना था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच अभी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ी हुई, और पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि निकट भविष्य में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते समान होंगे। इसके समान होने में बहुत टाइम लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत का रुख है आतंकवाद को लेकर के, वह बहुत ही क्लियर है कि हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी देश के साथ क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कनाडा हो या कोई और भी देश। भारत की जो सरकार है वह आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। मतलब कि भारत सरकार किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हरदीप सिंह निजर कौन था और किस तरह से वह एक आतंकवादी बना था। हरदीप सिंह निजर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोरा और डेजिग्रेटेड टेररिस्ट यानी आतंकवादी घोषित कर रखा था। दोस्तों, एनआईए ने निजर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आपको बता दे कि निजर पंजाब के जालंधर जिले भारसिंहपुर गांव का रहने वाला था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जब उस पर शिकंजा कसा, तो वो 1997 में भारत से भाग करके कनाडा चला गया। आपको बता दे कि निजर कनाडा पहुंचकर न सिर्फ वहां की नागरिकता प्राप्त की थी, बल्कि वहां पर शादी कर अपने जिंदगी में आगे बढ़ गया था। हालांकि इसके बाद भी वह भारत के खिलाफ साजिश करना बंद नहीं किया था। दावा किया जाता है कि 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या के पीछे भी उसी का हाथ था। इसके अलावा उसके इशारे पर ही 2009 में राष्ट्रीय सिख संगत प्रमुख रुलदास सिंह की गोली मार करके हत्या करवा दी गई थी। निजर का नाम 2007 में लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा हॉल में हुए ब्लास्ट में भी आया था। निजर के खिलाफ दर्ज आरोप यहीं तक सीमित नहीं रहती। बताया जाता है कि पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के भी हत्याकांड में उसी का हाथ रहा था। उसने इस हत्याकांड में शामिल जगतारा सिंह को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। निजर के लिए यह भी कहा जाता है कि उसका संपर्क पाकिस्तान के ISI से भी था, और इसके साथ ही वह SFG से भी जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि निजर एक आतंकी संगठन भी बनाया था जिसका नाम था KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स, और वह इसका प्रमुख भी रहा था। उसने 2014 में इस संगठन की स्थापना की थी। NIA लगातार उस पर भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाता रहा है। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निजर की हत्या हुई थी। एक गुरुद्वारे के पार्किंग स्पेस के पास दो बंदूकधारी आते हैं, वो नकाबपोश होते हैं और इनको धाराधार गोली मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं, और वहीं पे इनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि निजर की हत्या के बाद जितने भी खालिस्तान समर्थक थे वो सारे एकजुट हुए थे। कनाडा के अलावा लंदन, मेलबोर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में इन लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही भारत सरकार को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अच्छा, आपको बता दे कि ये लोग जो आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है कि भारत सरकार खोज खोज करके आतंकवादियों को उनके स्थान पर पहुंचा दे रही है। ये सब चीजें होने के बाद जब कनाडा के प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में भाग लेने आए हुए थे भारत, तब उनकी बात मोदी जी से हुई और मोदी जी और इन दोनों में इस मसले को लेकर के आपस में काफी हॉट बातें हुई, और इस मामले में दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं हुए, और इसी क्रम में कनाडा के प्रधानमंत्री का विमान भी खराब हो गया था, आपको जैसा कि पता ही है, और 2-3 दिन के लिए वो भारत में ही रुके हुए थे। उनको रुकना पड़ा क्योंकि उनका विमान खराब हो गया, और 2-3 दिन रुकने के बाद उनके यहां मतलब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का जमकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि भारत ने उनको कोई भी तवज्जो नहीं दिया है। और ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने उनको तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि आतंकवादी का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ये भाई साहब यहां से जाते हैं कनाडा, और वहां के जब अखबारों में और वहां के जब लोगों में पता चलता है कि इनको लेकर के बहुत विरोध है, तो ये जाकर के भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और वो जैसा कि आप सब देखे भी होंगे वीडियो में, कि जाकर के अपने संसद में, अपने पार्लियामेंट में जाकर के भाषण देते हैं कि निजर के हत्या के पीछे भारत का ही हाथ था और हम इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। दोस्तों, हम ट्रूडो का वो बयान बताते हैं जो उन्होंने अपने संसद भवन में दिया था। कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निजर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा, हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है, और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ये उन मूलभूत नियमों के खिलाफ है जिसके तहत लोकतांत्रिक समाज चलते हैं। भैया जस्टिन ट्रूडो, आप ये सुनो कि अगर कोई किसी देश में आतंकवादी घोषित है तो आप उसको इतना अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो दूसरा देश जाके मरबे ना करेगा? आपके यहाँ के किसी और नागरिक को मार दिया है? अगर भारत सरकार ने ही गोली मरवाया है तो आप बताइए कि क्या आपके किसी कनाडाई नागरिक को जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है, वैसे किसी व्यक्ति को मारा है? क्या आपसे भारत की कोई जातीय दुश्मनी है? नहीं है ना। तो भारत के तोड़ने वालों को
चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसको मारेगा और यह मारना अति आवश्यक है। जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने हमारी ज़मीन पर हमारे ही लोगों को मारा है, तो सबसे पहले तो यह भारत के लिए उपलब्धि है और यह अच्छी बात है कि वह दुनिया के किसी भी कोना में जा करके अपने यहाँ के देशद्रोहियों को और आतंकवादियों को मार रहा है या ठिकाने लगा रहा है। और दूसरा बात, आप ये समझिए कि जिसे आप कनाडाई नागरिक बता रहे हैं वह 1997 से ही भारत का भगोरा आतंकवादी है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी देश ने किसी को आतंकवादी घोषित कर रखा है तो उसको आप अपने यहाँ शरण ही क्यों दिए? अब आप शरण दीजिएगा तो दूसरा कोई जाके मरबे ना करेगा। जिस तरह से आप बात कह रहे हैं अगर उस तरह से सही हो जाता है तो फिर तो पाकिस्तान भी किसी दिन कहेगा कि मसूद अजहर को अपने यहाँ रखे हुए हैं, हमारा नागरिक है, तो हमें उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो उसका नागरिक है। और तो और, आप ये बताइए कि अमेरिका किस नाते पाकिस्तान में घुस करके वहाँ के नागरिक की हत्या करी थी? उसामा बिन लादेन भी तो पाकिस्तान का नागरिक ही था ना भाई। उसामा बिन लादेन को अमेरिका पाकिस्तान में घुस करके और दिन दहाड़े मार करके आ जाता है, और भारत सरकार ने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो फिर इसमें गलत क्या हो जाता है? तो दोस्तों, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिन में भी अच्छा ही काम करेगी, और कम से कम टेररिस्ट के खिलाफ तो ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। बाद बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।